दोस्तों, अगर आपके पास भी जीएसटी का नोटिस आया, DRC 1 या Assessment 10, और आपने नोटिस का रिप्लाई टाइमली दे दिया या टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाए, और आपके ऊपर भी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी का बर्डन है, तो उस केस में क्या करें? आज की वीडियो में बात करूंगा कि गवर्नमेंट ने वेवर कर दिया है इंटरेस्ट और पेनल्टी को, मतलब इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर आपके नोटिस में आया है, और वो नोटिस कौन कौन से ईयर्स के लिए है। अगर वो नोटिस आपका 2017 से 31 मार्च 20 फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब जब से जुलाई 17 से जो जीएसटी चालू हुआ, और मार्च 20 तक आपको कोई नोटिस इशू हुआ है, यानी 17, 18, 19, 20 के लिए कोई नोटिस इशू हुआ है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर हो जाएगा। जब आपके पास इस तरह से ऑर्डर आए तो क्या करना चाहिए, कैसे इस इंटरेस्ट का वेवर लें या पेनल्टी का वेवर लें, कैसे आपको माफ़ी मिले इंटरेस्ट से या पेनल्टी से, आज कंप्लीट बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करने वाला हूँ DRC 07 का ये नोटिस है। इससे पहले Assessment 10 और DRC 01 के अंदर नोटिस आया था, जिसका ऑलरेडी रिप्लाई हम लोग दे चुके हैं। Assessment 10 में और DRC 01 में हमने ये रिप्लाई दे दिया था कि जो टैक्स अमाउंट है, जो शॉर्ट टैक्स था, उसकी पेमेंट हमने कर दी थी DRC 01 से, और एक्सेस क्लेम जो था वो 3B के अंदर रिवर्स कर दिया था, लेकिन और उसका इंटरेस्ट भी जमा कराया था, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलने लगे कि नहीं, कि प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने हरियाणा डाला था, तो बोल रहे कि भाई हरियाणा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें वेस्ट बंगाल प्लेस ऑफ सप्लाई में डाल के आपको इंटरेस्ट की पेमेंट IGST वाली करनी थी। तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी उन्होंने रेज कर दी, उसके अगेंस्ट में हमने रिप्लाई दिया DRC 01 के अंदर प्रॉपर कि भाई इतना टैक्स था, ये शॉर्ट था, ये हमने पेमेंट करी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इनका ऑर्डर, ये ऑर्डर में लिखते भी हैं कि भाई ये कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले पॉइंट बोलते हैं कि शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स CGST और SGST ये हुआ 10954, ठीक है। या बोलते हैं कि 9 में ये दिखाया, डाटा एनालिसिस करने के बाद ये आया, 3B में ये दिखाया, तो जो डिफरेंस आया था वो ये आया था। दूसरा बोलते हैं कि एक्सेस ITC क्लेम कर रखा है 639112 का, जिसमें IGST इतना है, C इतना है और S इतना है। तीसरे पॉइंट में बोलते हैं कि भाई इन्होंने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि DRC 01 के अंदर अमाउंट को पे किया है। कितना कितना पे किया है? बोलता है 10,000 CGST में, 10,000 SGST में, ठीक है, और इंटरेस्ट अमाउंट 47782 पे किया है, CGST में इतना, SGST में इतना। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारी शॉर्ट टैक्स की पेमेंट थी वो DRC के अंदर कवर हो गई, प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो कवर हो गया, ये IGST का इंटरेस्ट है जो एक्स्ट्रा लिया था, एक्सेस क्लेम लिया था। यानी नीचे वाले बोलते हैं कि इन्होंने जनवरी 2021 की जो 3B थी उसके अंदर रिवर्स कर दिया था, ये जितना भी क्लेम किया था उतना ITC, ठीक है, जितने की डिमांड थी 639 की डिमांड थी, 674 रिवर्स किया हुआ है, जिसमें CGST और SGST जो है, CGST SGST ये हो गया और IGST ये हो गया, रिवर्स किया हुआ है। लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट डिपॉजिट कराया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा डाला, तो हरियाणा को बोल रहे हैं कि हरियाणा को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल होना चाहिए, तो इन्होंने इंटरेस्ट का डिमांड बना दिया। अब देखो, चूंकि इंटरेस्ट जमा है मेरा, दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया, जो एक नया सेक्शन इंसर्ट किया, सेक्शन 128A क्या बोलता है कि अगर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी आ रही है नोटिस के अंदर, तो उसका आपको वेवर मिल जाएगा। अगर डिमांड रेज है 73 के अंदर, सेक्शन 73 के अंदर डिमांड रेज है, तो जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी होगा उसका वेवर हो जाएगा। देखो इन्होंने डिमांड कौन से सेक्शन में रेज किया है, तो 73 के अंदर यहाँ पे डिमांड इन्होंने रेज किया है, सेक्शन 73 के अंदर देख सकते हैं, नोटिस में अगर आप जाओगे तो ऑर्डर जो दिया है सेक्शन 73 के अंदर दिया है। तो बोलते हैं सेक्शन 73 के अंदर अगर आपको डिमांड रेज होगा पेनल्टी और इंटरेस्ट का, तो वो वेवर हो जाएगा। तो 73 के अंदर देखो क्या होता है, दो सेक्शन है, 73 और 74 है। 73 जो होता है नॉर्मल, अगर आप GST रिटर्न्स में मिस्टेक कर रहे हो या कुछ इंटेंशन नहीं है आपकी टैक्स की चोरी करने की, तो 73 के अंदर नोटिस आता है। और 74 में ज़्यादातर जो फ्रॉड केसेस के नोटिस होते हैं वो 74 के अंदर आता है। तो नॉर्मल केस में है तो 73 में आएगा, फ्रॉड केस में 74 में आएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपको 73 के अंदर नोटिस इशू हुआ है और डिमांड रेज है टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी का, और टैक्स का अमाउंट आपने डिपॉजिट करा दिया है, तो जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसका आपको वेवर मिल जाएगा। कब से एप्लीकेबल है? तो जुलाई 17 से लेके मार्च 20 तक, मतलब कि 17, 18, 18, 19, 19, 20
में अगर आपका नोटिस इशू हुआ है और आपने टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट करा दिया है, चाहे आपने DRC 03 के थ्रू करा दिया हो या GST या 3B में रिवर्स करके करा दिया हो, केवल आपसे इंटरेस्ट या पेनल्टी अमाउंट को डिमांड किया जा रहा है, उस केस में आपको यहाँ पे वेवर मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें एक कंडीशन लगा दी थी कि 31 मार्च 2025 तक अगर आपने टैक्स की अमाउंट की पेमेंट कर दी है तब इंटरेस्ट और पेनल्टी का आपको वेवर मिल जाएगा। तो मेरे वाले केस में तो टैक्स की पेमेंट ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे इन्होंने डिमांड रेज किया था उसका हमने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि भाई DRC 03 में जमा करा दिया है और GST 3B में ITC को रिवर्स कर दिया है, बस जो इंटरेस्ट भी जमा कराया हमने लेकिन ये इंटरेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये इंटरेस्ट रेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेक्शन 128A का वेवर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन है, पहला या तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करो, दूसरा आप GST अपील फाइल करो, ठीक है। अगर आप अपील फाइल करते हो तो उस केस में आपको सेक्शन 128A वाला प्रोविजन लगा लेना। और ध्यान रखें, देखो लोग अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई सेक्शन 128A अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन मैं बता दूं गवर्नमेंट इसको एप्लीकेबल करने जा रही है 1 नवंबर 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर के महीने में इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो तब तक अगर आपका कोई ऑर्डर है उसकी टाइम लिमिट है अपील के अंदर तो आप अपील के अंदर उसको फाइल कर लेना या फिर रेक्टिफिकेशन फाइल कर लेना। तो उस केस में आपको यहाँ पे जो भी डिमांड है इंटरेस्ट की या पेनल्टी की उसका आपको वेवर मिल जाएगा। आप चाहो तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हो GST अपील फाइल के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास भी नोटिस आया है GST का जहाँ पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड की जा रही है, ठीक है, और आप एग्री हो टैक्स का अमाउंट जमा कराने के लिए, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी से आपको माफ़ी मिल जाएगी। उसके लिए आपको वहाँ पे प्रॉपर एक नोटिस आया तो उसका एक रिप्लाई ड्राफ्ट कराना होगा। आप चाहो तो हमारी पेड सर्विस ले सकते हो GST रिप्लाई के लिए, GST नोटिस का जो रिप्लाई होता है जहाँ पे हम लोग सेक्शन वाइज प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई देते हैं, या फिर अगर आपको ऑर्डर आ गया DRC 07 में, जैसे कि देख सकते हैं ये DRC 07 का ऑर्डर है, तो या तो रिप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा अपील फाइल कर सकते हैं या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं, दो ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर आपके पास DRC 01 आया है या असेसमेंट 10 आया तो उस केस में आप रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी आया तो सेक्शन 128A का वेवर ले सकते हैं। ये 1 नवंबर 2024 से गवर्नमेंट एप्लीकेबल करने जा रही है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आप अपने नोटिस के रिप्लाई में इस प्रोविजन के सेक्शंस को डाल सकते हैं, काउंसिल की मीटिंग्स के और डिसीजन को डाल सकते हैं, जिससे ऑफिसर जो है आपके केस पे एक्शन लेने से पहले उसको रोक ले, होल्ड कर ले, क्योंकि जैसे ही वो नोटिस आएगा वो उसके अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर बना के देगा। और आपके पास टाइम है तो आप वेट करके रिप्लाई दे सकते हैं या जैसी नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद अपील फाइल करा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।